तो हेलो, तो गाइस की हाल चाल है सभी लोग के। तो आज मैं एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। देखो, पीछे एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है, मतलब एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया है, बट मैं ये एक्सपेरिमेंट के बाद मैं खुद शौक रहेगा क्या ये सब एक्सपेरिमेंट कुछ। मतलब आपने थंबनेल देखकर तो पता लग गया होगा कि कितना आयरन गोलम एक विधर के सामने टिक पाएंगे। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतने आयरन गोलम मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने, चलो एक्सपेरिमेंट बिना किसी देरी के चालू होता है। यहाँ पर मैंने सब कुछ ले लिया है, यहाँ पर मैंने देख लो बेडरॉक हेडरॉक सब ले लिया है, क्योंकि विधर को तो बेडरॉक में ही स्पॉन करके कैद कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बेडरॉक के केज में विधर को स्पॉन करने का सोचा है। तो सबसे पहले तो हम केज बनाते हैं विधर के लिए, मतलब कि बेडरॉक से पूरा का पूरा एक बॉक्स बना रहे हैं, उसमें विधर को स्पॉन करेंगे, बाद में आयरन गोलम को स्पॉन करेंगे। इतनी देर आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। चलो तो गाइस, यहाँ पर मैं विदर स्पॉन कर देता हूँ। पहले विदर को स्पॉन करना पड़ता है, क्योंकि जो विदर पहले स्पॉन होता है जब फटता है, मतलब जब आयरन गोलम को पहले स्पॉन करेंगे तो विदर फटेगा, तो तभी आयरन गोलम मर जाएगा। तो पहले क्या होगा देखते हैं कि स्पॉन हो गया है विदर। अब मैं यहाँ पर एक बार लाइट लगा देता हूँ, अंधेरा छा गया। फिर बाद में आयरन गोलम को स्पॉन करते हैं। अब कितने आयरन गोलम सह पाएंगे, टिक पाएंगे, मतलब कि एक विधर के सामने देखते हैं। यहाँ पर पहले कर दे, अरे चलो, यहाँ पर पहला आयरन गोलम को स्पॉन किया है। देखो, देखो गाइस, यहाँ पर एक ही आयरन गोलम ने विधर की इतनी सारी हेल्थ गवा दी है, मतलब कि कर दिए, इतनी सारी हेल्थ कम कर दिए। अब ये देखो, दूसरे आयरन गोलम ने तो हद ही कर दी, आधे से ज़्यादा ही, मतलब कि हेल्थ तो कम ही कर दी है विधर की। अब देखते हैं, शायद से मुझे लगेगा कि तीन ही आयरन गोलम चाहेंगे इस विधर को मारने के लिए। देखते हैं, यहाँ पर तीसरा आयरन गोलम स्पॉन करता हूँ मैं। तब देखो, तब तीसरे आयरन गोलम ने, तीसरे आयरन गोलम ने मार ही दिया है, मतलब कि अरे ये विधर हट रहा है। क्या बोलते हैं, अरे तीसरा आयन गोलम भी मर गया, मतलब कि बीच में स्केलेटन आए थे इसलिए आयन गोलम की हेल्थ और ज़्यादा कम हो गई थी। इसलिए मैं तो मानूंगा कि तीन ही आयन गोलम चाहिए एक विधर को मारने के लिए। तो मैंने दूसरी चैनल में बहुत देखा है कि 100 आयन गोलम वर्सेस एक दो तीन विधर, पर मैं तो बोलूँगा कि एक विधर को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन ही आयन गोलम चाहिएंगे। अगर आपको यह एक्सपेरिमेंट सर्वाइवल में भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं यह एक्सपेरिमेंट सर्वाइवल में भी ट्राई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, एंड सब्सक्राइब।